फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आंवले का अचार, जो झटपट तैयार हो जाता है। ये टेस्टी और हेल्दी होता है। आइए बनाते हैं इसको। पहले उबाल लेंगे आंवले को। आंवले को मैंने उबाल लिया है और इसके बीज अलग कर लिए हैं। ज़्यादा नहीं उबाला है, हल्का हल्का उबाला है। ये देखिए, इस तरीके से इसको अलग करना है। और तड़के के लिए मैंने लिया है अजवाइन, सौंफ और कुटा हुआ धनिया लिया है, कलौंजी ली है, जीरा लिया है और थोड़ी सी सरसों भी लेनी है, अभी मैंने इसमें रखी नहीं है, मिर्ची भी ली है। अब चलते हैं, बनाते हैं इस अचार को। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा और सरसों डाल देंगे, सौंफ और कलौंजी और अजवाइन सारे मसाले डाल देंगे। मसालों को अच्छे से भून लेंगे और इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं। मसालों को मैंने भून लिया है, अब हरी मिर्च डाल देंगे इसमें कटी हुई। मसालों को ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इसमें आंवला डाल देंगे, सारे मसाले और आंवले को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। अब इसमें नॉर्मल नमक डालेंगे, जो रोज खाने में डालते हैं। अचार में हम थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक डालेंगे, क्योंकि खट्टा है ये, खट्टे में नमक कम लगता है, इसलिए ज़्यादा नमक डालेंगे इसमें। अब इसमें थोड़ी सी पीसी हुई मिर्ची डाल देंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे। अब 10 मिनट तक इसको पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं अचार पकते हुए। अब इसको ठंडा कर लेंगे, फिर डब्बे में डालेंगे इसको। आप इसको 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ख़राब नहीं होगा, 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। लीजिए, हमारा आंवले का अचार तैयार है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अचार बना है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। मेरी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो को फुल वॉच करें।